सैलरी वगैरह का तो कोई इशू नहीं? नहीं नहीं सर, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको आपको नहीं, कंपनी को किसी कोई इशू नहीं है सर। ऐसा नहीं, आपको पर्सनली नहीं पूछा मैंने, कहा जो भी काम कर रहे इस कंपनी में। नहीं नहीं सर, 10 को आ जाए। प्रोसेस क्या था यहाँ पे, कैसे नॉर्मली इंटरव्यू प्रोसेस? काफी इजी है और हर फील्ड का अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन जानना चाह रहा हूं। क्वालिफिकेशन 12th पास भी एंड ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी आल्सो। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं। आज हमारे साथ सतीश भाई भी हैं और इन्हें एक नई प्रोजेक्ट मिल रही। हमने और सतीश भाई ने सोचा कि यार प्रोजेक्ट मिल रहा है, पहले चल के कंपनी में एक बार सर्वे कर लेते हैं, कैंडिडेट से बात कर लेते हैं, एम्प्लॉय से बात कर लेते हैं, जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो बड़ा ही मेहरबानी, आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कंपनी में लेके चलने वाला हूँ। कंपनी में जो ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उन कैंडिडेट से हम बात भी करेंगे ना सतीश भाई? जी बिल्कुल, पहले उनसे पूछेंगे सारी चीज़ें क्या है, कैसे कंपनी है और कंपनी के ऑनर कैसे हैं, सैलरी वगैरह टाइम मिलती है, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता जो लास्ट टाइम हमसे गलती हो गई थी दूसरी कंपनी में, जिसमें उनके पेमेंट को लेकर दिक्कत हुई थी। तो क्योंकि कैंडिडेट आपके और हमारे भरोसे के ऊपर आते हैं, तो हम अब वहीं पर कॉन्टैक्ट लेंगे जहाँ पर हम पहले खुद श्योर हो जाएंगे। श्योर होंगे जब भी लेंगे सतीश भाई, आइए अंदर लेके चलते हैं आपको। आइए थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा अंदर आइए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मशीन करके कंपनी का नाम है और हमने यहाँ से एंट्री कर लिया और यहाँ पे रिसेप्शन, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे रिसेप्शन है और आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे है एंट्री करने का एंट्रेंस, है ना। तो बाकी क्या चीज़ें जैसे कि मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, बस हमारी पहल होती है जो भी हमारे भाई बेरोजगार हैं उनको जॉब दिलाया जाए। और काफ़ी अच्छा सतीश भाई का भूमिका भी रहा है, इन्होंने भी काफ़ी हमारा साथ दिया है। तो आइए अंदर लेके चलते हैं ना सतीश भाई, यहीं पे सतीश भाई मिल रहा है प्रोजेक्ट, है ना। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सभी अपने है ना सीट पे हैं, वर्क कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। और यहाँ पे पहले पहले चीज़ें कवर कर लेते हैं, थोड़ा कैमरा में आगे की तरफ आइए, पहले चीज़ें कवर कर लेते हैं ना। काफ़ी सीट है यहाँ पे, देखो वर्किंग में आपको बता दूँ, एक तरीके से BPO कॉल सेंटर है और यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड वर्किंग होता है ना। सैलरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे होने वाली है, जैसा मैं आपको दिखा दूँ। बस हमारी पहल है जो भी हमारे भाई बेरोजगार हैं उनको जॉब दिलाया जाए। तो बड़ा ही मेहरबानी भाई, वीडियो में आप सभी लोग बने रहना क्योंकि अभी हम उन कैंडिडेट से भी बात करेंगे। आइए सतीश भाई इधर आइए, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं जो कि जो यहाँ पे वर्किंग पे है, है ना। सर थोड़ा इन सर से बातचीत कर लेते हैं, है ना। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। हाँ जी सर बोलिए। हाँ सबसे पहले आपका नाम जानना चाह रहा हूँ सर। सर मुकेश कुमार। सतीश भाई आप भी बैठो, आप सर बैठ। नहीं नहीं आप बैठिए, आप ज़्यादा ज़रूरी है सच में। बैठो बैठो बैठो। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानूँ सर। मुकेश कुमार। मुकेश जी हाँ जी, कहाँ रहने वाले हो सर आप? सर त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी हाँ जी। तो आप यहीं के रहने वाले? हाँ दिल्ली के। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मेरी ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हाँ जी सर। एज की बात करें तो एज कितनी है सर मेरी? 20+। इस कंपनी को माइंड मशीन कंपनी को आपने कब से ज्वाइन किया? सर हमसे हम 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से रेगुलर कर? हाँ सर के साथ ही हूँ मैं। अच्छा कंटिन्यू 1.5 साल से आप इसमें वर्किंग? राइट सर। अब यार ये सच में बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत प्लस पॉइंट है कि सर के साथ जो बंदा जो है 1.5 साल के कॉल सेंटर में अधिकतर उसके से कुछ 6 महीने 3 महीने रुकता है, बहुत ज़्यादा 6 महीने। तो इसका इससे साफ पता चलता है कंपनी कैसी है, कंपनी के ओनर कैसे हैं। अच्छा। और जो स्टाफ को देख के मुझे तो लग रहा है कि हाँ सब कुछ ओके है। और पूछिए आप भाई से। अच्छा सर ये बताएं यहाँ पे कितने घंटे आपको वर्क करना होता है? सर 8 घंटे बस टोटल। 8? राइट सर राइट। इसमें जो वीक होता है वीक में 7 डेज वर्क होता है, ये तो 5 डेज सर। संडे ऑफ रहता है बाकी। राइट सर राइट। सिर्फ 8 आवर्स? हाँ। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? सर सही है, गुड है एकदम, मतलब सब मतलब प्यार से काम होता है यहाँ पर। यहाँ के स्टाफ हैं उनका जो मिसलीडिंग उनका बात करने का तरीका लहजा ठीक है सर। सपोर्टिंग सब सपोर्ट करते हैं सर, कोई मतलब ऐसा कोई मिसबिहेव कोई नहीं करता यहाँ पर सब। देखिए ऐसा है कि हमारे कुछ कैंडिडेट आना चाहते हैं जो इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। राइट सर। तो मैं चाहता हूँ कि सतीश भाई कैंडिडेट भेजने वाले हैं यहाँ पे जॉब के लिए, तो मैं चाहता हूँ पहले आपसे थोड़ा बातचीत करें। सर देखो माहौल यहाँ पर बहुत गुड है, सब यहाँ पर ना प्यार प्रेम से ही काम होता है, क्योंकि सर देखो हर जगह का प्रेशर मिलेगा ना तो काम कहीं नहीं हो पाता। अच्छा। तो यहाँ पर सर प्यार प्रेम से ही काम करवाते थे। आपका यहाँ पे वर्क क्या है, प्रोसेस क्या है? सर कार्ड का है यहाँ पर। अच्छा। क्रेडिट कार्ड का है। सेल करने का? राइट सर। कोई टारगेट इसमें? सर टारगेट नहीं है। कोई टारगेट नहीं। अगर हम बात कर लें सैलरी की तो सैलरी कितने तारीख को आपके अकाउंट में आती है? सर मैक्सिमम 8 से 10 के बीच में। 8 से 10 के बीच? राइट सर राइट। बेसिक सैलरी कितनी है आपकी? सर बेसिक यहाँ पर सर 12 से स्टार्ट होती है। 12 से 10 से। आपकी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी कितनी है? थोड़ा सा नहीं मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा ये होता है लेकिन एक मोटी मोटा सा बता दो आप थोड़ा सा। सर 20-20। राइट सर। मतलब 1.5 साल से कर भी तो रही है। हाँ जी। अच्छा ये बता, जो फ्रेशर एज ए कैंडिडेट है अगर कंपनी में आना चाहता है एज अ माइंड मशीन में वर्क के लिए, फ्यूचर के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए, तो आ सकते हैं सर? सर आ सकता है, बल्कि अगर वो आएगा बल्कि यहाँ सीख के जाएगा, क्योंकि ना सर हमने हम ये करते हैं कि जो जो नए जो आते हैं बच्चे आते हैं उनको ना इतना सिखाते हैं कि वो अगर कहीं दूसरी कंपनी जाए तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं से सीख के नहीं आया।
उसका एनवायरमेंट कैसा है सर यहाँ पर? गुड, मतलब सब कुछ इतना है सबको कि इतनी नॉलेज कर रखी है कि कोई भी नया बच्चा आता है ना तो उसको बहुत कुछ सीख के जाता है यहाँ से, अगर छोड़ेगा भी वो तो बहुत कुछ सीख के जाएगा यहाँ से वो। ठीक है मुकेश जी से बातचीत करके अच्छा लगा सर, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है मेरे को तो एनवायरमेंट, जैसे कि और है उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं है जैसे वाला था। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और पूछ लेते हैं और थोड़ी एक दो कैंडिडेट से और पूछ लेते हैं, आइए थोड़ा सा इनसे एक दो कैंडिडेट से और पूछना है सर, आइए थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना सतीश भाई, थोड़ा सर से बातचीत कर लेते हैं। सर कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताइए। आपका नाम जानना चाहिए? सचिन नाम है मेरा। आपका नाम जानना चाहिए? सचिन नाम है मेरा। सचिन जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं लोनी गाजियाबाद। लोनी गाजियाबाद, अगर एज की बात करें कितनी है? मेरी 21। लग भी रहा है सर, क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी 12th पास। बेसिक यहाँ पे वर्क क्या करना है? मेरा बेसिक यहाँ पे जो वर्क है ना क्रेडिट कार्ड का है, मैं 9 महीने से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, 9 महीने से कर भी रहे? हाँ। अच्छा सैलरी को लेके कोई इशू तो नहीं आती कंपनी? नहीं सैलरी को भी टाइम पाते बिल्कुल सैलरी। ऐसा होता है कि काम होने कर लिया सैलरी के लिए दौड़ना पड़े, ऐसा केस हुआ है हमारे साथ? नहीं बिल्कुल नहीं आता, हम जाके सतीश पे जाके उसको शॉर्ट आउट किया। नहीं सैलरी बिल्कुल टाइम पाते। 10 घंटे वर्किंग है यहाँ पे? यहाँ पे 8 घंटे। कंपनी क्या क्या फैसिलिटी दे रही है? कैंटीन वगैरह की? चाय नाश्ता है यहाँ पे, चाय नाश्ता। पैसे की तो पैसे नहीं, पैसा नहीं कटता। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बार ऐसा हमने देखा जहाँ पे नाश्ता भी कराया जा रहा है, चाय भी दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है माइंड फ्रेश करने के लिए। अच्छा एक बात होता है, कितने तारीख को अकाउंट में सैलरी है? 10 तारीख को। 10 तारीख तक आ जाए। सैलरी की बात करें तो सैलरी कितनी आई? मेरी 14 है। 14 ओनली? उतनी ही आती है या तो इंसेंटिव वगैरह जोड़ कुछ एक्स्ट्रा भी? इंसेंटिव हर महीने आप अचीव कर लेते हो? जी हर महीने अचीव हो जाता है। कितना अचीव हो जाता है? 2-3 हज़ार रुपये चीज हो जाता है। कहने का मतलब 17-18 मान सकते हैं? हाँ हाँ। देखिए हम जो कह सतीश भाई को प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो सतीश भाई कुछ कैंडिडेट यहाँ पे भेज रहे हैं, मैं नहीं चाहता उन कैंडिडेट के साथ कुछ भी गलत हो, है ना जी। इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि जो आप बताएंगे जेन्युइन बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी का इन्वायरमेंट तो सतीश भाई हमने देखा ये सही है जी? बिल्कुल बढ़िया है और इस पर हम वर्क ज़रूर करेंगे। अब आइए अब इनके सीनियर सर से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अच्छा अच्छा यहीं पे चाय बनती है, आए चाय दिखा दे भाई। हाँ 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 बिल्कुल। और बाकी चाय का जो सिस्टम है यहीं पे है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, कोई ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं है ना ही तो फेक है, जो चीज़ें रियल है। चाय वगैरह बनती, बाकी यहाँ पे कैंटीन की सुविधा है ना, चाय वगैरह है ना, बाकी की चीज़ें। बाकी और भी हम कुछ कैंडिडेट से हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है सतीश भाई, आइए थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लें जो है ना। अच्छा 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 मैम, एक मिनट दो मिनट बात कर सकता हूँ मैं? जी बोलिए सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए? सना खानम। सना खानम जी। यहाँ पे जो जैसे कि लोग बताया उन्होंने एज अ चाय नाश्ता की सुविधाएं हैं, तो क्या उसका पैसा डिडक्शन? नहीं नहीं हमारा डिडक्शन नहीं होता, वो ऑफिस की तरफ से है। अच्छा ऑफिस की जी जी। सैलरी वगैरह का तो कोई इशू नहीं? नहीं नहीं सर मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है आपको, आपको नहीं कंपनी को, किसी को इशू नहीं है सर? नहीं आपको पर्सनली नहीं पूछा, मैंने कहा जो भी काम करें इस कंपनी में। नहीं नहीं सर 10 को आ जाएगा हमारे टाइम से जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, थोड़ा सा होना भी चाहिए। बाकी अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ, बस हमारी पहल होती है सतीश भाई, है ना, हमारी और आपकी पहल है, जो भी चीज़ें हों जेन्युइन और रियल हो भाई, झूठ नहीं होना चाहिए, जो होगा सच होगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि हम जॉब के साथ साथ विश्वास भी देते हैं, है ना सतीश भाई? बिल्कुल बोलो, जॉब के साथ साथ विश्वास भी। बिल्कुल विश्वास भी है, सपोर्ट भी है, साथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं सतीश भाई, वहाँ पे भी कुछ स्टाफ कुछ एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, क्या वो अलग डिपार्टमेंट तो नहीं है सतीश भाई? आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत कर लेते हैं सतीश भाई। जैसे जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय वर्किंग पे है अपने, और इनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं ओनली 2 मिनट्स के लिए, है ना सतीश भाई? आप बैठो टेक सीट सर, आप बैठो जब आप बैठो, थोड़ा आपको भी आना चाहिए ना कैमरा, क्योंकि कैंडिडेट तो आप ही दोगे सर, है ना? तो पहले इन मैम से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, है ना? हाँ सबसे पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम अदिति सक्सेना है। अच्छा अदिति जी जी, कहाँ के रहने वाली हो आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा प्रॉपर है? हाँ जी लोकल ही। हाँ जी। कोई ऐसा इशू तो नहीं आता कि लोकल कैंडिडेट हो भी कंपनी उसको हायर नहीं करती? नहीं ऐसा कोई भी इशू नहीं है, एटमोसफियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये एक प्रॉब्लम किसी को देखने को नहीं मिलेगी, अगर आप कैपेबल हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे जॉब मिलेगी। ये तो काफी अच्छा लगा। हाँ जी। अच्छा, आप कितने टाइम यहाँ पे वर्किंग? 2 मंथ हुए हैं मुझे यहाँ पे। 2 मंथ? हाँ जी। अच्छा इंटरव्यू प्रोसेस क्या था यहाँ पे, कैसे नॉर्मली? इंटरव्यू प्रोसेस काफी इजी है और हर फील्ड का अलग अलग प्रोसेस है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन जानना चाहता हूं। क्वालिफिकेशन 12th पास भी एंड ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी आल्सो। अब बात करते हैं इंटरव्यू कैसे हुआ था। नॉर्मल पहले तो मेरा मानिक सर ने इंटरव्यू लिया था और बहुत ही
सही तरीके से इंटरव्यू लिया था वो आपको, अगर आप हाइपर हो रहे हो या फिर काम फील नहीं कर रहे हो तो वो आपको प्रॉपर टाइम देंगे और हाँ सपोर्टिव टीम है काफी ज्यादा। जो ना हार्मफुल जो घबराहट है ना हिचक रहती है वो तो सबके मन में रहती है। हाँ एग्जैक्टली वो तो रहती है, चीज मैं कह रहा हूं बट वो उनके साइड से आपको ऐसा फील नहीं कराएंगे वो कि हाँ जैसे कभी कभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो बट टीम काफी सपोर्टिव है तो हाँ हाँ जी तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। कोई कैंडिडेट आ रहा है फ्रेशर भी है इवन उससे पहले कहीं उसने इंटरव्यू नहीं दिया है उसके बाद भी वो काफी अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है यहाँ पे। धन्यवाद आपका। अगर बात करें एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट कैसा है एज अ गर्ल्स हैं आप तो एनवायरनमेंट कैसा है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसी कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है। आप अगर लड़कियाँ यहाँ पे आ रही हैं काम कर रही हैं रुक रही हैं तो ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं हो, इवन आप काफ़ी सेफ फील करेंगे। अगर हम बात करें कितने घंटे आपको वर्किंग करना पड़ता है, बॉयज़ हमने बात किया उन्होंने 8 आवर्स बताया आप? हाँ 8 आवर्स, उसमें ब्रेक भी मिलता है, टी ब्रेक भी होता है, लंच ब्रेक भी होता है। हाँ जी तो वो प्रॉपर ब्रेक मिलता है आपको। सैलरी की हम बात करें, सैलरी नॉर्मली अगर बात करें तो कितने तारीख को अकाउंट में आ जाती है सैलरी? 10 to 20 हाँ जी आ जाती है। टाइम आपका वर्क क्या है यहाँ पे? मेरा कॉलिंग प्रोसेस है म्यूचुअल फंड आईपीओ बॉन्ड इसमें डील करना होता है। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट आपके आसपास नहीं है ना कोई चैनल वाले हैं, बस ये है कि आप ऐसे वर्क करते हो। ओके श्योर। हेलो गुड मॉर्निंग सर, साक्षी बात कर रही हूँ मैं आपको। सर हमारा जो सॉफ्टवेयर पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है उसके कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने होते, उसके अलावा आपको सर डेडिकेटेड टीम प्रोवाइड की जाती है बैकएंड से जिससे आपका काम भी बहुत इजीली से हो जाता है। लाइक जैसे कि आपके किसी क्लाइंट को रजिस्टर करना है उनकी ट्रांजेक्शन्स लगानी है वो सारा काम हमारे बैकएंड की टीम संभालती है तो उससे आपको काफ़ी इजी हो जाता है कि आपको अपने सिस्टम पे भी नहीं बैठना पड़ा और आपके कोड में सारा काम भी आपका हो गया तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इस तरीके से आपको वर्किंग करना काफ़ी अच्छा लगा, एक तरीके से डेमो था है ना। हम मार्केट में फ़ोन लेने जाते हैं पहले हमें दिखाते हैं एज ए डेमो, तो इस तरीके से हमने आपको ये डेमो दिखा दिया जिससे कि आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप सदी जो मन में डाउट्स थे जो कॉल सेंटर्स को लेकर डाउट्स होते हैं जो लास्ट टाइम हमारे साथ सेक्टर 6 में हुआ था उसके बाद मुझे ज्यादा थोड़ा शॉर्टेबल लगता है क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी होती है ये नहीं होती कि हमने बच्चा भेज दिया और देन अपना कमीशन चार्ज लेकर छोड़ दिया, उसकी सैलरी तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। हम जॉब के साथ साथ विश्वास भी देते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नई नौकरी से, रखिएगा अपना ख्याल। नई वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।